हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डार्क नाइट मेटल का पहला इशू। तो इसी इशू के साथ ये सीरीज शुरू होती है। वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें कुछ लोग दिखाई जाते हैं और एक आवाज हमसे कहती है, ये फीलिंग एडवेंचर की थी और ये बिगिनिंग था उस एडवेंचर का, जिसे हम अपने नसों में महसूस कर सकते थे, जिस वजह से हमारा हार्ट धड़क रहा था, उसकी हर बीट डिस्कवरी के लिए चीख रही थी। मेरा नाम है कार्टर हॉल और मेरा ये फाइनल जर्नल है। मैंने कई जिंदगी जी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात है। एक जवान लड़का जिसने आसमान में कुछ देखा, एक लाइट, और वो अपने प्रिंसेस, अपने एडवाइजर और अपने गार्ड्स के साथ उसे देखने चला गया। आसमान में कुछ बहुत ही बड़ा था, शायद वो एक मैसेज था गॉड्स की तरफ से या फिर एक साइन। और तब हम देखते हैं एक शिप को, जिस पर वो आवाज कहती है, लेकिन वो साइन तो नहीं था, वो पूरी मानव जाति के इतिहास में एक ग्रेटेस्ट मिस्ट्री का क्लू बनने वाला था। और वो मिस्ट्री लिखी जाने वाली थी मेटल में। आज का वक्त, बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल में एक रिसर्च लैब में एक साइंटिस्ट एक डाटा कार्ड के साथ वहां पर फंसा हुआ था, और तभी लावा में से दो मेटल हाथ बाहर आते हैं। और तब हम देखते हैं बैटमैन को अपने बैट सूट में या फिर प्रेशर सूट में, जहां पर वो कह रहा था, डॉक्टर मेडिसन, अगर बचना है तो मेरे साथ चलिए। और डॉक्टर मेडिसन उसके साथ चलने लगते हैं, लेकिन वो प्रेशर सूट लावा का प्रेशर सह नहीं पाता और वो फट कर गिर जाता है गहरे समुद्र में। और तभी एक्वामैन आकर उन दोनों को बचा लेता है, लेकिन बैटमैन कहता है कि डॉक्टर को सरफेस की तरफ ले जाओ, मुझे अपने प्रेशर सूट से वो डाटा कार्ड वापस लाना है। और वो उस डाटा कार्ड को लेकर सतह पर आता है, इस पर एक्वामैन पूछता है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने ये सीक्रेट लैब सरफेस से इतना दूर ओशन में क्यों खड़ी की, और इसके बारे में मुझे या फिर अटलांटियंस को पता भी नहीं था, ऐसा क्यों? इस पर बैटमैन कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है मोगो, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का घर, जहां पर गैंथट हेल जॉर्डन को एक मिशन देते हैं अर्थ पर, और वो कोऑर्डिनेट्स देकर उसे कहते हैं कि इसके बारे में येलो लैंटर्न या फिर तुम्हारी जस्टिस लीग को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ये मिशन सीक्रेटली कम्प्लीट करना होगा। और तब वो देखता है कि वो कोऑर्डिनेट्स थे वेन मैनोर के, यानी कि वो इंस्पेक्ट करने जा रहा था बैट केव को, जहां पर जाते ही पहले उसका सामना होता है ड्यूक थॉमस से, और ड्यूक थॉमस उसे पहले किक तो मारता है, लेकिन बाद में अपनी लैंटर्न रिंग का इस्तेमाल करके वो उसे वहीं पर दबोच लेता है। और वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि कहीं पर कोई सीक्रेट डोर तो नहीं है, और तभी उसे वो मिल भी जाता है, जिसमें वो अंदर चला जाता है कैंपस कुछ माइल्स नीचे फिलाडेल्फिया के, जहाँ पर दो आदमी एलेन थॉमस के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो अब हमारे लिए खतरा नहीं रही, वो भले ही रीएक्टिवेट हो चुकी हो और उसके पास हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स हो, लेकिन बैटमैन उसे कभी कुछ उगलवा नहीं पाएगा, और इसी वजह से हम पूरी मैनकाइंड का फ्यूचर बदल सकते हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें कार्टर हॉल कहता है, कई रातों में से एक रात उस इजिप्शियन डेजर्ट की, जहाँ पर मेरी कहानी पूरी तरह से शुरू हुई, एक शिप जो कि एक मिस्टीरियस सब्सटेंस से बनी हुई थी, जिसे कहा जाता है एंथ मेटल, इसने मुझे, मेरी वाइफ और मेरे मोर्टल एनिमी हाथ सेट को इटर्नल लाइफ दी और हमें भेज दिया साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन में, और मैं और मेरी वाइफ साइड ऑफ गुड से लड़ रहे थे और हाथ सेट साइड ऑफ इविल से, हमने कई हजारों बार जन्म लिया, लेकिन उन सब के बीच में एक ऐसा ट्रुथ था जो डार्क मोमेंट में कैद था, जो कि लाइफ और डेथ के बीच में था, और वो एक झलक थी, लेकिन वो एक झलक से भी कहीं बढ़कर था, वो हमारी लाइफ और हमारी स्टोरी थी, और वो बहुत ही टेरिफाइंग था, ऐसा पहले मैंने कभी कुछ नहीं देखा था, वो एक सपना था या फिर एक बुरा सपना, एक झलक, एक गूंज जो कि झक रही थी मेटल के अंदर से। और तभी हमें दिखाया जाता है कार्टर हॉल, जो अपने बेड पर उठता है और आगे कहता है, तो मैंने अपनी मिस्ट्री शुरू कर दी किसी को बिना बताए, एक ऐसी मिस्ट्री जो मुझे वहां पर ले गई जहां पर मैं जाना नहीं चाहता था। और तब हम देखते हैं बैटमैन को अपनी लूनर बैट केव में, जो कि थी मून पर, जहां जाकर वो अपने बैट कंप्यूटर से वो डेटा कार्ड अटैच करता है, और तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है, तब वो अपने बैट रिंग्स वहां पर फेंकता है, तब वो देखता है मिस्टर टेरिफिक को, जो उसे बताता है कि उसने उसे जो काम सौंपा था उसने वो काम पूरा कर दिया है, जिस पर वो कहता है, क्या किसी को इसके बारे में कुछ अंदाजा है? जिस पर वो कहता है, मैंने अपने हाथ पर फेयर प्ले ऐसे ही नहीं लिखा, मैंने किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। और वो बैटमैन से कहता है कि वह सिर्फ एक स्पार्क था, उस अर्थ पर कुछ नहीं था, लेकिन उस स्केल में कुछ तो कॉस्मिक था। इस पर बैटमैन कहता है, हाँ मुझे पता है,
और यह मुझसे लीड करता है, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे जो चाहिए उसमें से मैंने वो मॉलिक्यूल्स निकाल दिए हैं। हम सभी को पता है कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें इसके लिए केयरफुल रहना होगा और हमें उसकी ज़रूरत है हमारे अगले मिशन के लिए। तो अब वक्त आ गया है कि हम उसे बॉक्स से बाहर निकालें और तब हम देखते हैं एक बॉक्स को। तब हम देखते हैं बैट केव में ग्रीन लैंटर्न और ड्यूक थॉमस उस सीक्रेट केव में थे, जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न कहता है केव के अंदर एक और केव बनाना ये बैटमैन का ही काम हो सकता है। और तभी वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं उस केव की तरफ, जहाँ पर एक आवाज उनसे कहती है कि ये सब शुरू हुआ एक दांत के जरिए, एक मेटल का दांत जिसने सभी डेड्स को लाइफ में वापस ला दिया। और आगे जाकर उन्हें कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं जो कि जस्टिस लीग के कुछ मेंबर्स के थे, जैसे कि हेलमेट ऑफ फेट और ट्राइडेंट ऑफ एक्वामैन। वो आवाज उनसे कह रही थी कि ये सब सिर्फ उस मेटल का कमाल नहीं है, कुछ सिल्वर और गोल्ड के कंपाउंड्स, बल्कि ये सब इलेक्ट्रम का कमाल है। और बैटमैन को जब ये पता चला तब उसने इस थ्रेड का पीछा करना शुरू कर दिया। और तभी ग्रीन लैंटर्न की रिंग कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी, इस पर वो कहता है तुम्हारी रिंग उस एनर्जी को पहचान चुकी है और बैटमैन ने इसी एनर्जी को पहचानने के लिए एक टीम बनाई आउटसाइडर्स की, बिना किसी के नॉलेज के, ना जस्टिस लीग, ना गवर्नमेंट, ना ही बैट फैमिली के, और वो आउटसाइडर्स अपना काम करते रहे उस एनर्जी की तहकीकात करके। तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, इस पर आवाज उसे कहती है ग्रीन लैंटर क्या तुम्हारे सेलेस्टियल बॉसेस ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम इस एनर्जी को इंस्पेक्ट कर सको? लेकिन ग्रीन लैंटर उसकी बात ना मानते हुए ड्यूक से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन ड्यूक उसकी बात ना मानते हुए आगे बढ़ता है और तब वो दोनों एक दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पर और तभी वो आवाज आगे कहती है ये कभी नहीं समझ सकते कि एक मिनट पहले तुम्हें क्लू मिल जाए और दूसरे मिनट ही वो तुम्हें कहीं और ले जाए। कितने ही सालों से मैंने एंथ मेटल को स्टडी किया है अकेले, उसके सीक्रेट्स और एबिलिटीज को अनलॉक करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे मैं इतना ही समझ पाया कि वो कहीं से एनर्जी कंडक्ट करता है, एक पावरफुल एनर्जी, कहाँ से ये तो नहीं पता। जितना मैं डीप जा पाया उससे यही पता चला और मुझे उसके साथ कुछ झलके मिली, कुछ ऐसी झलके जिन्होंने स्टोरी साफ कर दी उन 3 ट्राइब्स के साथ, या फिर 4 ट्राइब्स के साथ, और 4th ट्राइब था बैट सिंबल। और तब वो आगे कहता है और कुछ ऐसा था जो बहुत बड़ा था, मेरे कंट्रोल के बाहर था। और तब हम देखते हैं कि वो सारे आर्टिफैक्ट्स जो उसने अपने पहले अवतार में लिए थे वो सभी उसके पास थे। और वो आगे कह रहा था और जो मैं अपनी ताकत के बलबूते पर कर सकता था वो मैंने किया, और वो जो मुझसे छीन लिया गया था वो मैं वापस लेकर आ गया अपनी स्पेशीज को वापस लाने के लिए किसी भी कीमत पर। और तब हम देखते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड में बैटमैन जाकर सुपरमैन को ये याद दिलाता है कि उसने कई सालों पहले यहाँ पर एक रूम उसके लिए छोड़ी थी और उसने बैटमैन से वादा किया था कि वो उस रूम को कभी नहीं देखेगा, जिस पर सुपरमैन कहता है हाँ मुझे वो पता है और मैंने ऐसा किया भी नहीं है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ ब्रूस, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस चीज़ को खोलने के लिए मेरे अलावा कोई और मदद कर सकता है। तभी वो देखता है मिस्टर मिराकल को जो कहता है ये चीज़ इस दुनिया की नहीं है इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। और तब बैटमैन उसे लेकर उस लॉकर की तरफ जाता है, इसे देखकर वो कहता है तो अगर तुम्हें ये लॉकर खोलना ही है तो तुम्हारे पास इसकी चाबी तो होगी ही, तो तुमने उस चाबी के साथ क्या किया? जिस पर बैटमैन कहता है मैंने उसे सन में फेंक दिया। इस पर वो कहता है ये जोक था है ना, और वो आगे बढ़ते हुए उस लॉकर को देखकर कहता है इसे ओपन करना है। जिस पर बैटमैन कहता है तो क्या तुम इसे ओपन नहीं कर सकते? इस पर मिस्टर मिराकल उससे कहता है लोग मुझे ऐसे ही मिस्टर मिराकल नहीं कहते, और वो उसे ओपन कर भी देता है और अंदर की चीज देखकर वो कहता है तुम पागल हो गए हो, तुमने जो ये बेवकूफ भरी हरकत की है वो सब कुछ तबाह कर देगी सब कुछ। इस पर बैटमैन उसे इग्नोर करते हुए कहता है तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा काम हो चुका है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एंटी मॉनिटरिंग टावर था, जिसे देखकर वो कंप्यूटर से कहता है कंप्यूटर सारे वाइब्रेशंस ऑन कर दो, देखते हैं कि एनर्जी फ्रिक्वेंसी कहाँ से आ रही है और वहाँ पर हमारे लिए क्या है। और यहाँ पर ड्यूक थॉमस और ग्रीन लैंटर उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर जो आवाज थी वो थी जोकर की, जो कह रहा था तुम लोग सिर्फ एक पीस ऑफ कपल हो बैटमैन के पजल का, जैसे कि मैं